Oh, my God.
난 잘 먹어. और अलामा साहब की गुजारिश है कि वो मिंबर पे तशरीफ लाए और मिल के नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अलबैद दुश्मना ते लानत, मिलके बवाज बुलंद सलवात। आमीन।
अपनी अपनी इबादत दी कबूलियत वास्ते बवाज बुलंद सलवात अलामा साहब तशरीफ लाए हैं तो गुजारिश है जेडे साहबान पुरसे तो फारग हो के बाहर गए मेहरबानी करके सारे मातमदार आजादार दोबारा पिंड पहुँचो अलामा साहब मेंबर तो तशरीफ लाया है तो गुजारिश है कि साडे मेहमान और कोशिश की करो कि जेडे दिन हैं अजामे आजाद है मजलूम की महिले से मांगना चाहिए क्योंकि बंदा घर तो जिस मकसद वास्ते आता है वो मकसद पूरा ता ही होंगे जे सफे मातम से बदले सजे खबे आके खड़े होने मकसद पूरा नहीं होंगे इस वास्ते गुजारिश है तो सारे आजादार वापस दोबारा पिंड तशरीफ लाओ बाबा जबलन सलवाद एक जुमला शहीदा की मुसीबत का उस बाद अलामा साहब ने वक्त ध्यान दे सारे बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो शाह फरमाया मैं ना आबेद बचड़ा कल डीगर वेले तेरे मेरे मौला इमाम हुसैन सैयद साजदीन मौला सजाद नू कौल बुला के गल की मौला की आखे शाह फरमाया मैं ना आबेद बचड़ा बड़ी तवज्जो नहीं होर एक तारफ करावा शाह फरमाया मैं ना कैदी ही बचड़ा ते इमाम उम्मीदा हुण तू है इन्ना मौत दियां लुटियां फुफियां दा ते हुसैन भेरा इस वड़ी मुसीबत कोई नहीं शाह फरमाया मेरा कैदी बचना ते इमाम विदा हुण तू है इन्ना मौत दियां लुटियां हायों फुफियां दा ते हुसैन फिरा हुण तू है दूजी गल मेरे मौला केड़ी कीती मौला दे इन्ना कैदी ठीके हुण शाम नू मजना है ते अब्बास दी जा हुण तू है मौला दे ने लुटया पूर मुसाफिर ते अखीर मला थोड़ी तवज्जो वास्ते को सत्र पढ़ता चाहता डी ढल गया आखर कल डहवी थले खंजर नमाज पढ़ी गई जै चादर निगरान आगाजी ने नाल रोण आई कि गल हर लुको चावण प्यो गया एक लाश को चावण धी गई रोंद स्वास्थ्य वद्या जद वाल आइए आसू कन जख्मी उतो शाम गरीबा एक और बैठ पढ़ना चाहना अब्बास तुजीन छुट्टी अली दीदी मरण दी दुआ ने मंगी अकबर नुसान लगी है अली दीदी मौत दी दुआ ने मंगी जेड़े मुकाने मातमदारा बैठे हो असगर नु त्रै फला तीर लगा अली दीदी मरण दी दुआ ने मंगी कसम दी लाश घोण भजदे रहन अली दीदी मौत दी दुआ ने मंगी मातमदारो जद चादर लुटी गई सो इतना को पर्दा प्यारा बाने बाने अली करबला दी जमीन ते बैठी है इवें वाला दा पर्दा जा बनाया है ते उच्चा रोकिया दिए जे लुट लईए चादर मैनू कताल जागार फरमाया दी जहरा दी बीबिया दिए मैं गैरत हां कोल नबिया किता तैना शिमार हयाए बीबी उच्चा रो क्या दिए अरमान ओए आज जीना ना
आले अब्बास फिर आए बीबिया दिए आ सौ चुके लुटिए हंजू साफ करके सलवार सारे साहबान महिला से इब्तदा वास्ते क्योंकि घर का प्रोग्राम इब्तदा करना तो हुक्म से अस बकायदा तफसील में महिला से इंशाल्लाह बाद ये वक्त तो बात से सुना दे हम दाड़ी सामने मेरे भाई जान किबला मुकर्रम अलामा इरशाद हुसैन साहब किताब फरमान दे और इंशाल्लाह तकरीबन पौने एक दे लगभग वक्फा हो जाएगा नमाज और लंगर का और वक्फे तक किबला साहब पढ़ा मिलके बवाज़े बुलंद सलावत सबसे पहले मुझे एक खबर मिली है मैं उसकी तरह तस्वीर आपसे करूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब चक्का भाई उनकी क्या सूरत हाल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मालिकुल मुल्क उनके और उनकी जद की उम्मत के जितने भी मोमिनीन मोमिनात मरहूमिन मरहूमात हो गए मालिक उन सब की और हम सब की खताओं से दरगुजर फरमाए और मालिकुल मुल्क बहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम उन सब को उनकी कब्र की मनाजल आखरत की मनाजल को आसान फरमा के आलम बरज़ख की मंजिल को सख्तियों को माफ़ फरमाए और जन्नत में आला अलीयीन के साथ जगह बरकत फरमाए इन सब मरहूमिन मरहूमात के लिए बिलखसूस साहिब खाना और सैयद साहब साहिब खाना के लिए साहिब खाना थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आला अलीयीन के साथ जगह बरकत फरमाए सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا كريم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما لا أهله بجاه محمد وآل محمد رب اني مغلوب فانتصر بدم الحسين عليه السلام اللهم رب الصباب ما هذا قرئ القران على ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات مرحومين ومرحومات بحق ذل المظلوم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد خاندان سيدنا پہ दिल किया था गहराइयों से बाबा जे बुलंद सलावा وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات मेरे नहायत ही साद एहतराम सादात उज़ाम बुज़ुर्गान मुकर्रम अज़ीज़ान मुख्तरम मालिकुल मुल्क आप सब की इस हाज़री को अपने दरबार में कबूल और इस बानी मजलस बाबा जी को बाबा कमरदीन को
मालिकुल मुल्क बहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जगह रहमत फरमाए, उनकी औलाद को आपस में इत्तफाक इत्तहाद और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मज़ीद अता फरमाए। इज़्ज़त वालों, आप खूब वाकफ़ हैं कि मेरा ख्याल है मुझे 40 साल हो गए, 40 साल हो गए इस जगह पर मजलिस पढ़ते, लेकिन शिकवा तो मैं पहले भी करता हूँ, शिकवा सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मैं शिकवा किया करता था। वो शिकवा ये है कि जैसे यहाँ मजलिस पढ़ने आते हैं वैसे ही पढ़ते हुए घर चले जाते हैं। मैं तरसता रह जाता हूँ कि काश को मेरी डायरी में कोई और भी साहब कहेगा कि जनाब मेरे घर भी तशरीफ़ लाइए, लेकिन आपने शायद कसम खाई हुई है कि मिस्टर जाफरी यहाँ जो आ जाते हैं तो यहीं सुन लेते हैं, फिर दूसरी जगह बुलाने की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई ऐसी बात नहीं जो विलायत अली मुर्तज़ा का इकरार करने वाले को याद ना हो। अरे वो विलायत ही का ये की कि अली की विलायत का इकरार भी करे और दीन से ना आशना हो, ना उसे दीन की खबर हो, ना उसे शरीयत की खबर हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे 14 हदी हैं, और ऐसे हादी हैं हमारे बाप से पहले भी वो हादी थे, हमारे बाप से पहले भी वही हादी थे, और बड़े फख्र से हमारे आका मौला फरमाया करते थे कि कुन तो नबीयम व आदमो बैनुल माए वतीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी मिट्टी में थी और पानी पानी में था। या और एक दिन सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बड़ी पाकीज़ा महफ़िल थी, उस महफ़िल में इसी जुमले को सरकार दो आलम बार बार दोहरा रहे थे, और इस तरह ना मैं मेन गेट की तरफ देख रहे थे जैसे मैं देख रहा हूँ। सहाबा किराम चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और सरकार ये जुमला इरशाद फरमा के फिर ऐसे देखते हैं खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिसका इंतज़ार था वो अली आ गया। या जिस सरदार का इंतज़ार था वो अली मुर्तज़ा आ गए। सरकार फरमा रहे थे सहाबियों कुन तो नबियम व आदमो बैनुल माए वतीन, असल में उम्मतियों से सहाबा से कह रहे थे गौर सुनो और गौर करो, सुनो और गौर करो और आइंदा की नस्लों को बता देना तुम और होते हो हम और। या पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना जब कुन तो नबीयम व आदम व बैनुल माए वतीन, मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमाओगे, हजूर ने वहीं सलाम करके, मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत मुअद्दब शख्सियत है, अली कहते ही उसे हैं जो नबी का एहतराम सिखाए, नबी का एहतराम करना जो सिखाए उसे अली कहते हैं। सरकार को सलाम करके कहता है हजूर इजाज़त हो तो मैं भी एक जुमला अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ इसी का तो इंतज़ार है। वही खड़े होकर कहते हैं कि जो आपने इरशाद फरमाया ना उसी जुमले को मैं दोहरा रहा हूँ, कुन तो वलीयम व आदमो बैनुल माए वतीन, मौला जब से आप नबी हैं उस वक्त से मैं अल्लाह का वली हूँ। मैं भाई जी ऐसा अपने घर से निकला, ये 4-5 ज़िले अपना घर होता है, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, ऐसा अपने घर से निकला कि फिर मैं वापस आ ही नहीं सका।
लोग आते हैं सैर होकर जाते हैं रज के जाते हैं, असि उथे जाने भुखे जाने भुखे वापस आ जाने, और जिम्मे गए उंज ही आ गए। तरस जाइए कि या अल्लाह को इत सुभान अल्लाह भी आखन आला को हो, नारा लाने वाला भी को हो, सहक जाइए इतने आवीद है। ऐसे मालूम होता है कि जिंदा लोगों में और यकीनन जिंदा है वो, तो कब्रिस्तान होता है चुप थले दा सा थले उते दा उते कह कह के मर जो कोई पता ही नहीं लगता। तो मैंने कभी आपका वक्त ज़ाया नहीं किया, इंशाल्लाह ताला आज भी ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने आपके सामने जिस आया मजीदा को बतौरे उन्वान रखने का सहारा लिया, जिस आया मजीदा का, वो सूरह हशर की आयत नंबर 6 है। कौन सी मैंने सूरह कहा? सूरह हशर। इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके तवज्जो से हमारे बच्चों को याद हो जाए, हमारे बच्चों को याद हो जाए, और बच्चों के तवज्जो से हमारे बड़ों का अमोख्ता दोहराया जाए, सबक दोहराया जाए। सूरह हशर की आयत नंबर 6 है, और इस आयत को हुजूर ने तलावत फरमा के उम्मत का हशर कर दिया। समझने की बात है। रसूलल्लाह के मुतल्लक अल्लाह पाक फरमाते हैं, मा अताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। इस सूरह इस आया मुबारका में एक तो हुजूर की अजमत है कि मेरा रसूल किस शान का मालिक है, एक तो अजमत है और दूसरा उम्मत का इम्तिहान है। मैंने क्या अर्ज किया? चलो बेटा कोई बात नहीं, एक सरकार की अजमत है, एक उम्मत का इम्तिहान है। क्यों उम्मत का इम्तिहान? इसलिए है कि मानने का फलसफा कुछ इस तरह है, मानने का फलसफा कुछ इस तरह का है। फिलासफर कहते हैं जिसको मानते हो उसकी मानो, जिसको मानते हो उसकी मानो, ये नहीं मानो उसे तो की किसी और की हो। नहीं मेरी तरफ रहने दे। अब होता क्या है? होता वो ये है कि जिसको माना जा रहा है उसकी तोहीन काबले बर्दाश्त है। उसकी तोहीन काबले बर्दाश्त है, किसी और की तोहीन काबले बर्दाश्त नहीं। किसी और की तोहीन काबले बर्दाश्त नहीं। हालांकि पुराने पाक जरा ले आओ, पुराने पाक जरा ले आओ। मैं चाहता हूं जो मुझे 10 मिनट आपकी खिदमत करनी है, मैं कुरान अपनी गोद में रखूं ताकि ये वीडियो बन रही है, सुनने वाला कहे यार जो कुरान लेकर बैठा हुआ है और बात कर रहा है, अगर गलत होती तो ये गर्क ना हो जाता। इसमें सरकार की इज्जत है, सरकार का मुकाम है और उम्मत का इम्तिहान है। मैंने फलसफा बयान किया कि मानने का फलसफा ये है कि जिसको मानते हो उसी की मानो, तब पता चलेगा कि तुम मानते हो। ये क्या हुआ? मानो किसी और को की किसी और की हो। ये तो अजीब मामला है कि खाओ किसी और दस्तरखान से और शान बयान करो किसी और की है। ऐसा तो आदमी पसंद नहीं होता, किसी भी शरीफ आदमी को पसंद नहीं होता, उसे तो लोग नमक हराम कहते हैं। वही अभी अभी इस दस्तरखान से उठा है, ये नमक हरामी कर रहे हो। जिसका खाया है उसका गाओ, खाते इसका हो गाते किसी और का हो।
हालांकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जो हजूर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एजाज और ग्रेड मिला, एजाज और ग्रेड मिला, दर्जा मिला, वो क्या है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सूरह मुबारका आले इमरान में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, खबरदार मेरा रसूल किसी का कुछ नहीं सिवाय इसके कि मेरा रसूल है। बार मोहम्मद आले मोहम्मद सलावात। जितना रसूल अल्लाह की अजमत को पहचानोगे उतना ही उनके नायब को पहचानोगे। जितनी अजमत इनकी बयान करोगे उतना ही नायब को जानोगे। ऐसे का नायब कैसा होना चाहिए? तो जब आपने रसूल को समझा कुछ नहीं तो फिर नायब को क्या समझोगे? नायब को क्या समझोगे? हमारे नजदीक तो वो नायब है जो नाम में भी अली है, जो नाम में भी अली है, काम में भी अली है, जात में भी अली है, बात में भी अली है। तवज्जो है ना? हमारे यहां तो वो है जो अपनी जात में भी अली, अपनी बात में भी अली, जो अपने नाम में भी अली, अपने काम में भी अली। मैं तो कलाम पाक अपने गोद में लिए बैठा हूं, मैं तो बर बर बरमला पूरे मुल्क में कह रहा हूं कि भाई किसी के पास है कोई अली जैसा तो सामने लाओ। कोई जात में हो, कोई नाम में हो, कोई काम में हो, कोई इल्म में हो, कोई हिल्म में हो, कोई शराफत में हो, कोई नजाबत में हो, कोई हसब में हो और कोई नसब में हो, सवाय के मोर काम है। मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सवाय के मोर काम रकम है। सरकार लिखते हैं कि एक दिन हजूर खिताब फरमा रहे थे, सहाबा इकराम सुन रहे थे, तवज्जो है, इतने में जनाब अब्बास जो चचा हैं हजूर के वो तशरीफ ले आए। हजूर ने फरमाया चचा यहाँ आके बैठ जाओ। चचा बैठ गए, चचा खामोश हैं, सरकार गोया हैं, बोल रहे हैं और फजाइल पढ़ रहे हैं अली के। तवज्जो है सब की, तवज्जो है सब की। सरकार का हर फेल हमारे लिए क्या है? क्या है बोलो? हर फेल हजूर का, जो हजूर काम करें हमारे लिए क्या है? सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, उसे जरूर अदा करो। पैगंबर अली का फजाइल पढ़ रहे हैं, चचा जो है वो ठहरा कर कहते हैं हजूर अली की फजीलत बहुत है। ला रहबा फी, मैं भी तो आपका चचा हूं। हजूर मैं भी तो आपका चचा हूं, कोई बात मेरे मुतलक भी कह दिया करो। अच्छा चाचा कहूंगा। अच्छा इतना ये तो बताओ अली की इतनी फजीलत क्यों है? उसका भी मैं चाचा हूं, आपका भी मैं चाचा हूं, उसकी इतनी फजीलत कौन है? तवज्जो है सब की। इसको याद रखना है। किताब का नाम याद है? सवाय के मोर का। उस किताब में मुल्ला अली कारी की लिखी हुई है, उस किताब हमारी नहीं अहल सुन्नत की किताब है। उस किताब में मुसन्नफ लिखता है कि जिस वक्त सरकार से उसने कहा कि बेटा हजूर मैं भी आपका चचा हूँ और मैं अली सरदार का भी चचा हूँ, हजूर ये इतनी सना इतनी तारीफ अली की वजह क्या है? हजूर फरमाते हैं चचा वजह ये है, तवज्जो के साथ, वजह ये सगिद बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा सही दो फिर एक बार याद खड़े करें आज, और फखर ना करया करो। किथे गया हो यजीद, किथे गई हो दी फौज, आपकी जद ने उसका नाम गाली बना दिया। आप गज के कहते हैं हुसैन का बेटा मैं हूं, हसन का बेटा मैं हूं, अली का बेटा मैं हूं, मोहम्मद का निवासा मैं बैठा हुआ हूं। बात करो जिसने करनी है।
मौला पैतन पाक आपको सलामत रखे। आप बैठे होते हैं हमारा हौसला बढ़ जाता है। हमारे सरदार की औलाद बैठी हुई है, किसी की मजाल है जो गुवाक चीरने की कोशिश करे? तो पूछा ना जब हजूर ने कि या नबी आखिर क्या मामला है? हजूर फरमाते हैं चचा असल मामला ये है जो मुझे वही हुई है, ये तो आप जानते हैं ना, हजूर ना अपनी मर्जी से बोलते हैं ना अपनी मर्जी से कुछ कहते हैं। जिसकी शान बयान करें वो करवा रहा है, जिसका काम बयान करें वो करवा रहा है, जिसको एजाज दें वो दिलवा रहा है। तवज्जो है। तो पैगंबर ने फरमाया इस पूरी दुनिया में हर शजरा कहीं ना कहीं मशकूक हो सकता है, अकीदा मशकूक हो सकता है। चचा कायनात में अली वाहिद है जिसके ना अकीदे में शक है ना शजरे में शक। जिसके ना अकीदे में शक है ना शजरे में शक है, ये नबियों का शजरा है। इन्ना काला मिनल मुरसलीन, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू नबियों के शजरे से है, नबियों की औलादों से है। तो जिस और जिससे नबी है उसी से अली है, उसी से अली है। और जहाँ जहाँ नबी रहा वहाँ वहाँ अली रहा। तो सरकार अपने नबी की अजमत बयान कर रहे हैं, मेरा नबी कितना अजीम है, कितना अजीम है। एक तो उसका इसका मुकाबला ना करो, मत कहो ये मुझ जैसा मैं इस जैसा, ये मुझ जैसा मैं इस जैसा। शर्म करो, तुम तो बलाल जैसे नहीं, वो तो गुलाम है यार, वो जॉन जैसे नहीं जो अबू जर का गुलाम था, उस जैसे नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ अली कहे तो कहे मैं उन जैसा ये मुझ जैसे, लेकिन अली ने नहीं कहा, अली ने नहीं कहा, पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने कहलवाया, मेरे हबीब कह दो क्या, कह दो कि अली मुझ जैसा मैं इस जैसा, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, मेरा और इसका खून एक है, मेरा और एक इसकी रूह एक है, मेरा और एक इसका बदन एक है, मेरा तो इसका गोश्त एक है, मेरा तो इसका पोस्त। तवज्जो है ना, हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ हमारी मुमासलत है। और फिर कभी हजूर फरमाते हैं या अली अंता मिस्लुल काबा, ए अली तू मिस्ले काबा है, ए अली तू मिस्ले काबा है। काबा बड़ा अजमत वाला है। और फर्क क्या किया, फर्क यह बताया अली काबा की अजमत यह है कि उसकी तरफ मेरी उम्मत के सर झुकते हैं, तेरी तरफ मेरी उम्मत के दिल झुकते हैं। मौला आपको सलामत रखे, पैतन पाक तो आपको आबाद शाद रखे, बाबा जी को इसका सवाब इसाल करते हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उस शरीफ आदमी ने ये मजलिस बरपा की और आप लोगों को हर साल के साथ आप जहाँ तशरीफ लाते हैं उनकी याद ताज़ा हो जाती है, उनकी याद ताज़ा हो जाती है। तो अजीज़ो हजरत रसूल देखो ना, पाक पैगंबर ने दो दफ़ा तारफ कराया है अपनी औलाद का, कितनी दफ़ा, दो दफ़ा। मैंने ये लफ्ज़ थोड़ा हल्का बोला, बंदे कहते हैं सुना है कहते हैं कि पैगंबर ने अपने बाद हमारे लिए किसी को बनाया नहीं, ये आपने भी सुना है ना, इतराज़ नहीं है, एक बात है, थोड़ा सा अफसोस भी लगता है। रसूल अल्लाह एक जिम्मेदार शख्सियत है, रसूल खुदा एक जिम्मेदार शख्सियत है और खुदा जिम्मेदारी का खालिक है, खुदा जिम्मेदारी का खालिक है। खुदा बंदे आलम भी अपने फराइज में गफलत नहीं कर सकता, ये तोहीने तोहीद है, ये तोहीद की तोहीन है कि उसको कहें कि उसने ये कहा नहीं।
और रसूल अल्लाह के मुतलक भी कहना कि ये उन्होंने काम नहीं किया, ये उन्होंने काम नहीं किया। खुदा की कसम मेरे हाथ में अल्लाह का कलाम है, सर पे रख कर कहता हूँ ये भी सरकार की तोहीन है। यानी हजूर अपने फराइज से गाफिल हैं, अपने फराइज से गाफिल हैं। आप जानते हैं मैं सरकारी मुलाजम रहा, सरकारी मुलाजम रहा, एक आधा दायरे का सरबराह भी रहा। मैं जब जाता था, मैं से मुराद है कोई हेडमास्टर, जब अपने स्कूल से छोड़ता है सरकारी काम के लिए, ऑर्डर बुक पर लिखता है मैं जा रहा हूं इंचार्ज फुलां है। ऐसे ही है, अगर कोई सरकारी मुलाजम बैठा हुआ है तो मेहरबानी करे जरा तायद फरमा दे, है को बैठा हुआ कोई नहीं? अच्छा चलो साथ ले आया करो, अपने साथ एक दूसरा भाई भी ले आया करो, ताकि जो अपने लिए चीज पसंद करते हो दूसरों के लिए भी करो। अपने लिए जन्नत पसंद है ना, बोलो तो सही यार, है ना? सारे बोलो भैया ऐसे नहीं, जिसे जिसे जन्नत पसंद है वो सारे के जन्नत पसंद है, है ना? है ना? तो यकीनन है ना मैं जन्नत पसंद। अगर आपको जन्नत पसंद है तो फिर आप जानते हैं कि जन्नत कैसे मिलेगी। आपसे बेहतर कौन जानता है, आपसे बेहतर कौन जानता है? लोगों ने कहा कि नमाजों से जन्नत मिलेगी, ठीक है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, लेकिन नमाज जन्नत की कुंजी है भाई, नमाज को पहचानना पड़ेगा नमाज है कौन। क्या कहने उस कुंजी को पहचानना पड़ेगा, रोजा है कौन, पैगंबर ने बताया है तुम्हारा रोजा कौन है, तुम्हारी नमाज कौन है, तुम्हारी ज़कात कौन है। सहाबा के मजमे में अली मुर्तजा बैठे हुए थे, हजूर उन्हीं से मुखातब होकर कहते हैं या अली अंता सलातुल मुमिनीन, नाम नहीं रखा कि तेरा नाम नमाज है, या अली अंता सलातुल मुमिनीन, या अली अंता सौमुल मुमिनीन, या अली अंता ज़कातुल मुमिनीन, या अली तेरा नाम नहीं है ज़कात नमाज, बताया गया या अली तू नमाज, तू नमाज है, तू रोजा है, तू हज है, तू ज़कात है, तू खुम्स है, तू तवल्ला है, तू तबर्रा है, तू अमर बिल मारूफ है, तू नहीं अनिल मुनकर है, तू जन्नत को तकसीम करने वाला भी है, जहन्नम को बांटने वाला भी है। वजह क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं या अली तेरी मोहब्बत जिसके दिल में होगी वही नमाज कबूल होगी। पैगंबर हदीस फरमाते हैं या अली, सब सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, जब कहा ना हुजूर ने या अली, सहाबा हमातन गोश हुए, गोनी हमारी सुनो पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, या अली हुब्बकुम ईमान व तक्वा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली बिस्मिल्लाह मौला को सलामत रखे, हुब्बकुम ईमान व तक्वा, सब नहीं बैठे हुए थे, हुब्बकुम ईमान व तक्वा, कसम से किसी सियाबी ने नहीं कहा या अली हे या नबी हम फिर वड़ेवे लेने आए हैं, किसी ने सवाल नहीं किया। कोनिया हमारी तवज्जो करो हजूर क्या फरमाने वाले हैं। दूसरा जुमा बोला या अली बुग्ज़कुम निफाकुम व कुफरा, सुना अली बता अली को रहे हैं, गुफ्तगु अली से है सुना सिहाबा को रहे, सिहाबा कौन है, उम्मत, और उम्मत के अफजल तरीन लोग, ना ऐसे पहले हुए ना ऐसे बाद में होंगे ना पहले होंगे, वो अजीम शख्सियात हैं। सिहाबा होना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा दर्जा है सिहाबा इकराम का। हुब्बकुम ईमान व तक्वा, बुग्ज़कुम निफाकुम व कुफरा, या अली तेरा
तेरा तेरी मोहब्बत हुब्बकुम, तेरी मोहब्बत ईमान और तकवा है, तेरा बुग्ज निफाक और कुफर है। तो जो अली से मोहब्बत करे वो काफर नहीं होता, जो अली से मोहब्बत करे वो काफर नहीं होता। जिसके दिल में अली का बुग्ज हो उसको सोचना चाहिए मेरा नाम क्या। उन्होंने जी अपनी जगह पर बिठा बैठने वाला बनाया ही नहीं है ना। एक बात अब एक बात करने लगा हूं, बड़े गौर से सुननी है और बार बार नहीं दोहरानी। नबी ने अगर बनाया नहीं, अगर लफ्ज मैंने अगर लगाया है, अगर नबी अकरम ने बनाया नहीं तो उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की, उन्होंने नहीं की बल्कि अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह कहता तो वो बनाता ना, उन्होंने बनाया, अल्लाह ने बनवाया नहीं, नबी ने बनाया नहीं। तय होगी बात। हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अगर नबी के बाद कोई ऐसी शय बना ले और दीन में दाखिल कर दे उसे क्या कहते हैं। और जब नबी को इख्तियार नहीं, हमें किसने इख्तियार दिया। हैरत की बात है, जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजा छोड़ दिया और वो बनाने चले गए। जब तुमने बनाए, नबी ने तो बनाया ही नहीं, मुतालबा हमसे करते हो मानो मानो मानो, पहले मानो नबी ने बनाया। हम कहते हैं नबी ने बनाया, तुम नहीं मानते। हमने कभी इतराज नहीं किया, हम नहीं इतराज करते। क्यों? ये अबद और माबूद की बात है, उसके दरमियान हम कौन होते हैं आने वाले, हमें क्या जरूरत है आने की। ये सरकार का उम्मती है, अल्लाह पाक इसको फिक्र दे, समझने की कोशिश करे कि जिसको नबी बनाए वो सारी इंसानियत के लिए होता है। ये कुरान पाक ये सिर्फ मेरे लिए है, सारे बोलो, ये कुरान पाक सिर्फ मेरे लिए नहीं और ना ये सारा मुसलमानों के लिए है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। किसके लिए है वो खुद किसके लिए है, ये लिखा हुआ है। उसने अपना तारफ कराया है कि हम कौन होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूं, उसकी तरफ से रिज्क आता है, सिर्फ हमें मिलता है। मेरे हबीब की उम्मत है, इसको दे दो बाकी भूखे मरे नहीं। जो शय उसकी तरफ से हो वो पूरे आलमीन के लिए है। क्यों? वो रब होते हैं। उसने नबियों को नबुवत दी तो क्या नबियों की नबुवत सिर्फ उनकी उम्मत के लिए थी? नहीं, एक एक नबी पूरी पूरी इंसानियत के लिए है। जितने हलके में रहता है उस हलके में हिंदू है तब भी वो नबी है, सिख है तब भी वो नबी है, ईसाई है तब भी नबी है, यहूदी है फिर भी। तवज्जो है, हदायत पाए जिसका जी चाहे, जिसके मुकद्दर में हदायत है वो हासिल करे। तो अल्लाह की तरफ से जो मैसेज हो वो सब के लिए होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सिर्फ रहमत नहीं, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत है। कुरान किताब हिदायत सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सारे इंसानों के लिए है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे इंसानों के लिए हैं तो जो उनका हमने बनाया वो तो सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब के बादशाह को हम उसका हुक्म नहीं मानते। क्यों? हमारी सल्तनत अपनी है, हमारा निज़ाम अपना है, हमारा आईन अपना है, हमारा दस्तूर अपना है, उनका अपना है।
मुसलमान होने के नाते से हम भाई हैं, कानून के एतबार से हम पंजाबी हैं, तुम अरबी हो, तुम अपना निजाम चलाओ, हम अपना निजाम। उनका निजाम इंसानियत के लिए नहीं, ना पाकिस्तान का निजाम इंसानियत के लिए है। जो उसका निजाम होगा वो पूरी इंसानियत का निजाम, पूरी इंसानियत का निजाम होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद भी आलमीन के रसूल, आलमीन के लिए रहमत, जाओ आलमीन के लिए रहमत। तीन दर्जे हैं, तीन दर्जे हैं, तीन दर्जे। खुद है वो रब्बुल आलमीन, ये रिकॉर्ड हो रही है भाई, खुद है वो रब्बुल आलमीन, पाक पैगंबर है रहमत लिल आलमीन। जब रहमत लिल आलमीन जाएंगे, हजूर तो चले गए, नबी तो आना कोई नहीं, हजूर तो चले गए, नबी तो आना कोई नहीं, हमें हदायत की जरूरत है कि नहीं? ओ बोलो तो सही, हमें हदायत की जरूरत है कि नहीं? तो जो आएगा बाद में, पहला रब्बुल आलमीन, दूसरा रहमत लिल आलमीन, अब उस आकर उसने नबी की रहमत को फॉरवर्ड करना है, इस कुरान को आगे फैलाना है, इसकी हदायत बतानी है, बचाना भी है, समझाना भी है। उसका नाम क्या हो? उसका नाम क्या होगा? तसल्लबात पढ़े, कोई पुराने पाक पढ़ा हुआ तशरीफ लाए जरा, मैं उसकी जुबान से ये कहलवाऊं। है कोई बैठा हुआ? है कोई? आ बेटा जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम वा हुदा लिल आलमीन। क्या जिम्मेदारी है उसकी जिसको पैगंबर अपने इख्तियारात देकर जाए? अल्लाह ने, वो रब्बुल आलमीन है, उसने इख्तियार दिए, रहमतुल आलमीन बनाया, सबके लिए रहमत है, पेड़ों के लिए भी, चंगों के लिए भी, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी। तेरी मौजूदगी में मैं अजाब नाजल नहीं करूं। अस्तगफार करने वाले जब तक हैं, तू भी है और तेरे साथ साथ जो अस्तगफार करने वाले हैं उनकी वजह से भी तुम दो हो ना, मैं अजाब नहीं करूंगा। तवज्जो है, तवज्जो है। अब सरकार जिसको छोड़ कर जाएंगे, हम बनाएंगे तो वो हमने बनाया, सरकार ने नहीं छोड़ा। जब छोड़ा कोई नहीं, कुरान में उसका नाम नहीं आएगा, कुरान में उसका नाम आएगा जो उसने बनाया, खुद बनाया है। वो क्या नाम है? अल्लाह फरमाते हैं वो रब्बुल आलमीन है, रसूल रहमतुल आलमीन है, और जिसको हिदायत की ड्यूटी है कि तू इस आलमीन को हिदायत कर, वो हुदाल आलमीन है। रसूल जिस तरह ज्यादा है, अल्लाह एक है, नबी 1,24,000 है, इसी तरह हिदायत देने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ अली नहीं, अली जीन है और वो 14। वो 14 हैं और 14 के 14 मोहम्मद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मासूम, वो मासूम। सरकार का ताल्लुक अल्लाह से, उनका ताल्लुक सरकार से। अल्लाह दे मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा दे इनको। और कैसे दे? अली फरमाते हैं मुझे ऐसे इल्म अता किया जैसे तायर अपने बच्चे को, परिंदा अपने बच्चे को दाना देता, उसी तरह दाना मुंह में लिया, बच्चे को दे दिया, मुंतकिल कर दिया, अमानत में ख्यानत नहीं। ये बहुत बड़ा ब्लेम है सरकार पर और हम पर, जी ये मानते नहीं। वो बाबा हमसे को मनवाने वाली बात करो, हम तो हर हक को मानना चाहते हैं। हक हो तो ये तुम नहीं समझते कि रसूल के बाद बनाकर
रसूल के बाद बनाकर शरीयत में दाखिल करो या शरीयत से खारिज करो। शरीयत में दाखिल करो या शरीयत से खारिज करो, उसके मुतलक फतावा उलमा से पूछो। हर मौलवी साहब हर आलम दीन कहता है कि वो बिदत है। एक शख्स ने, सहाबी रसूल था, एक शख्स ने एक काम बनाकर वो दीन में दाखिल कर दिया। कोई काम था, वो बनाया, उसका अंदाज बनाया और उसको दीन में दाखिल कर दिया और खुद ही कहा देखो कैसी अच्छी बिदत है, कैसी अच्छी बिदत है। तो माशाल्लाह आप बड़ा ऐसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब मैं इस मौज़ू की तरफ आता हूँ ताकि थोड़ा मैं इस पर भी बहस कर लूँ। अल्लाह फरमाते हैं मा अताकुम अर्रसूलु फ़खुज़ूहु, मैं आया हूँ ना है। अगर बाबा जी का बड़ा बेटा वो अगर मौजूद हो तो वो अपने बेटे से कहें बेटा जो मैंने तुम्हें दिया है ना वो जाते हुए मौलवी साहब को दे देना। बात बनती है ना, है ना, बशर्ते के दिया हो। तो कुछ इसी तरह का मामला है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोहम्मद को पहचानो इसका मुकाम क्या है। कायनात की इज्जतों का नाम मुस्तफा है, तमाम इज्जतों का मरकज मोहम्मद और रसूलुल्लाह है। किसी की कोई इज्जत नहीं जिसको इज्जत मिली मोहम्मद के सदके में मिली, जिसको इज्जत मिली मोहम्मद के सदके में मिली, जिसको मुकाम मिला मोहम्मद के सदके में मिला। तो जो है ये अकीदा है मजहब हक का, शिया मजहब का, शिया का ये अकीदा है कि सरकार, सारी दुनिया सरकार की मोहताज है और इस कुरान को भी मोहताज किया है अल्लाह के, अल्लाह के रसूल ने अपनी आल का और हम सब को भी मोहताज कर दिया है आल का। अब फिर मुझे वो कुरान की भी आयत पढ़नी पड़ जाएगी, इन्नहु ला कुरान करीम फिक्राब मकनून या ला यमस्सु इल्ल मुतहरून, सूरह वाकिया में अल्लाह फरमाते हैं। तवज्जो रखना, ये जो कुरान है ना, कुरान, ये कुरान छुपी हुई किताब के अंदर है। बेद की बात है बेती जाने, ये छुपी हुई किताब के अंदर है। जो मर्जी है कर लो, असल जो है वो है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। अराब लगाए हैं तुमने, अच्छे हैं, ठीक है, इल्म के मुताबिक हैं, लेकिन असल मौजूद है, छुपी हुई किताब के अंदर है। ला यमस्सुहू, हमसे हुक्म है ला यमस्सुहू, इसको मस ना करो सिवाय उनके, इल्लल मुताहरून, ताहिरून नहीं। ताहिर होता ना तो शायद हम भी शामिल हो जाते, वुजू करते शामिल हो जाते। इल्लल मुताहरून, सिवाय उनके जो ताहिर भी हैं मुताहिर भी हैं, पाक भी हैं और पाक करने का हक भी रखते हैं। उनमें से एक की मैं पकीजगी की दलील देता हूं, काफर है, मुशरक है, हमारी तालीमात से वो मुतासर हुआ और उसने कलमा पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कलमा। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक हो गया। शाबाश, बोलो बोलो, पाक हो गया। आप मेरा इम्तिहान लेते हैं कभी कभी, मैं भी तो चेक कर लूँ क्या आप बैठे हुए हैं कि कोई ना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से वो पाक हो गया नहीं, हालांकि ये कलमा वो है जो सरकार ने, बल्कि तमाम अंबिया ने, ये उनका मुश्तरका सरमाया है। हर नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दीन के भी दो ही पहलू हैं, एक है मकसद दीन, एक है मरकज दीन। मकसद है तौहीद, मरकज है रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदा पाक नहीं होता, मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने से फिर बंदा पाक होता है। ये इस घर का एक फर्द है,
एक फर्द है जो मुशरक को भी जिसका नाम लेने से मुशरक पाक हो जाए, जिसका नाम जुबान पर आने से वो पाक हो जाए, वो खुद कितना पाक होगा। और उस पाक की औलाद पर कोई निशाना करना शर्म आनी चाहिए, या कलमा छोड़ दे या तौबा कर ले, शर्म आनी चाहिए। तो अजीजो, अल्लाह पाक अपने रसूल के इख्तियारात बता रहा है, ये इज्जतों का मरकज है, इसको आम ना समझा करो। खबरदार किसी ने कहा कि ये हमारे हम जैसा है, हम जैसा, मैं तो इसको तुम्हारा बाप बनाना पसंद नहीं करता। कह नहीं दिया था तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं, अपने हसन हुसैन का है। हम मर्दों में से ये किसी का बाप नहीं जो बाप बनाना पसंद नहीं करता, यार बनाना पसंद। ना ये किसी का यार है, ना इसको रांझे से तशबीह दिया करो, ना टोलन से, ना मोलन से, ना दुला से, ना कैसी ना किया करो। वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, ये हर हालत में मेरा रसूल है, इसको रसूल समझ के बात करो। देखो, मैंने कहा दो दफा तारफ कराया, जिनको वारस बनाना था, जिनको वारस बनाना था, सूरह फातर है, आयत का निशान गायबन 53 है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा और असल किताब लजीना स्तफैना मिन इबादेना, जिनको हमने कुरान का वारिस बनाना था, बंदों में से उनको मुस्तफा किया, चुन लिया। मुस्तफा किसे कहते हैं, ये बातें याद रखने की हैं, याद रखने की बातें। मुस्तफा याकूत होते हैं ना, ये याकूत, याकूत को निकालो कान से, इसको किसी थाल में रखो छानने में, उसमें इसको छानो, खूब धोवो, जो ऊपर के आ जाएं, जो ऊपर के आ जाएं उनको अलग कर लो, बाकी अलग कर लो, तवज्जो है, उनको अलग कर लो और उनको अलग कर लो। ये जो अलग किए हैं, बड़ी एहतियात के साथ धोए हैं, ये हैं मुस्तफा। अब आओ मुस्तफा, अब वो जो चुने थे उनको फिर धोवो, फिर उनको छानो, फिर जो मोटे मोटे निकले, वो जो निकले उनको अलग कर लो, वो है मुज्तबा। अब सुनो, मुर्तजा किसे कहते हैं, अब जो रह गए थे उनको फिर धोवो, फिर चुनाओ, चुनकर उसका कुश्ता बनाओ, दवाई तैयार करो, एक शीशी अपने लिए, एक शीशी दूसरे मरीजों के लिए, जो अपने लिए रखी है उसको कहते हैं मुर्तजा। मुस्तफा होना को मामूली बात है, बहुत अजीम, बहुत अजमत वाले पाक पैगंबर हैं। अल्लाह फरमाते हैं खबरदार, मेरे मोहम्मद को आमला समझना। तुम जानते हो, ये कहता नहीं हम कहलाते हैं, ये करता नहीं हम कराते हैं। जब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता तो फिर क्या है, जो मेरा रसूल देता है ले लो, जो देता है ले लो, क्यों, मेरे हुक्म से दे रहा है, जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। और अगला जुमला, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, उसकी लाठी बे आवाज़ है, उसकी लाठी बे आवाज़ है। मोहम्मद रसूल्ला जो दे, जो दे, इल्म दे तो ले लो, हिल्म दे तो ले लो, इज्जत दे तो ले लो, तो जो है ना, इल्म दे, इज्जत दे, सेहत दे, जो तुम्हें दे, रिज्क दे, इज्जत, वो ले लो। और अगर वारस दे तो फिर किसी और से ले लो। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान का वारिस बनाया, कुरान बे वारिस नहीं, कुरान का माना क्या है, दीन बे वारिस नहीं, दीन बे वारिस नहीं, इसके वारिस हैं। उनका दो दफा तारफ कराया, एक दफा घर में, एक दफा मैदान में, एक दफा घर में तारफ कराया, एक दफा मैदान में कराया। तो जो मौला आपको सलामत रखे,
जब घर में कल आया तो चादर के अंदर सबको बुलाया। आप सबने वो हदीस सुनी हुई है, सब आए, दो जुमले सबके सांझे हैं। अम्मी मुझे नाना की खुशबू आती है, इन्हीं को यानी थी, नाना की खुशबू आती है। हुसैन आए, नाना की खुशबू आती है। अली मुर्तजा आए, कहते हैं मुझे चचा के बेटे अल्लाह की रहमत की खुशबू आती है। पहला जुमला है जो हसन हुसैन का, वो बच्चों के लिए है। दूसरा जुमला जो मौला अली का है, वो सारे मुसलमान भाइयों के लिए है। मैं वो जुमला बोल रहा हूँ, हसनैन करीमैन आए, माँ बैठी हुई थी, माँ मामूली है, माँ मामूली, इतनी बाअज़मत माँ, इतनी अजीम माँ कि जिसके दरबार में जब बीबी आती है तो हुजूर सिर्फ खड़े नहीं होते, हुजूर सिर्फ खड़े नहीं होते, दौड़ कर आगे जाते हैं, सैयदा तहरा का हाथ पकड़ते हैं, बोसा देते हैं, उठाकर लाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, सिहाबा देख रहे हैं। मामूली नहीं है वो बीबी जिसकी रसूल तअज़ीम करे, वो कितनी बीबी बाज़मत होगी। यही तो हमें रोना है कि जिसकी रसूल इज्जत करे, जो रसूल दे वो ले लो, रसूल इज्जत करे, अगर किसी के दरबार में चली जाए तो फिर कोई इतना भी ना कहे कि थक गई हो रसूल दादी पे। हसनैन आते हैं, आकर माँ को सलाम करते हैं, अम्मी सलाम, अम्मी डबल लफ्ज बोलती है, अलैकस्सलाम या वालदी या शाफ़िया उम्मती, है मेरे बेटो बस हमारा तफवादी, मेरे दिल की ठंडक तुझ पर भी मेरा सलाम हो। पता चला बच्चे घर आए तो माँ को सलाम करो, और सुन रहे हो बड़े हो गए हो तो कोई बात नहीं, माँ तो माँ ही है ना, माँ को सलाम करो अगर कुछ पाना है तो। मौला अली आए, बीवी बैठी हुई है, खातून जन्नत से मुखातब होकर कहते हैं अस्सलाम अलैक या बिन्त रसूलल्लाह, दुख्तरे पैगंबर तुझ पर मेरा सलाम हो। बीबी फरमाती है अलैकस्सलाम या अबल हसनैन व या अमीर अल मुमिनीन। ये बहुत बड़ा जुमला है जो मैंने कहा, अस्सलाम अलैका वालेकस्सलाम या अबल हसनैन, हसन और हुसैन के बाबा आप पर भी मेरा सलाम, वा अमीर अल मुमिनीन और मोमिनों के अमीर आप पर मेरा सलाम। पता चला पैगंबर ने बनाया था तो बीबी ने कहा था। अली मुर्तजा आए, उन्होंने बीबी को सलाम किया, बीबी ने पलट कर जवाब दिया। खामद आए, वो भी अपनी बीवी को सलाम करे, सीरत अली पर अमल किया करो, रिस्क में इजाफा होता है, इज्जत में इजाफा होता है। बीवी से लड़ते हो काम खराब हो जाता है, माहौल डिस्टर्ब होता है, औलाद बिगड़ जाती है, अगर चाहते हो कि औलाद कंट्रोल में रहे बीवी को गालियां ना दो, रिस्क में कमी हो जाती है। फरमाने मासूम भी सुनते जाओ। इनको घर में बुलाया, चादर जब ली, एक को घर में रोका, एक को मैदान में रोका, मैदान में रोका, तारफ कराया। जिब्रील कहता है मेरे अल्लाह मुझे बता तो सही ये कौन है। भाई तारफ तो होना चाहिए था ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेन पर्सन तो वो है ना, इज्जतों का मरकज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन आज तारफ क्या है, आज तारफ है ये फातिमा है, ये इसका बाबा है,
ये सैयदा है, ये इसका खामद है, ये सैयदा है और ये उसके दो शहजादे हैं। पैगंबर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउला व अहले बैती, मेरे अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं। पता चला अल्लाह फरमा रहा था, सैयदा बता रही थी और हजूर मान रहे थे कि अहले बैत वही हैं जिनका ताल्लुक सैयदा से है। जनाबे उम्मे सलमा आगे बढ़ी, सलाम करके कहा मौला मैं भी जा सकती हूँ? हजूर ने फरमाया तू बड़ी चंगी है, तू बड़ी नेक है, जिसको रसूल नेक कहे उस पर हमारा दुरूद व सलाम, उस पर बेबहा दुरूद व सलाम। सरकार उम्मे सलमा को जब जब ये एजाज़ मिला कि हजूर फरमा रहे हैं तू बड़ी चंगी है, लेकिन हसनैन की नानी बात याद रख, तेरा मुकाम और है, फातिमा का मुकाम। यहाँ से भी सलमा को रोका और मैदान में दब जाने लगे। जब बाहर तारफ कराया ईसाइयों से फड्डा हुआ, तवज्जो आखिरी बात है, ईसाइयों से जब फड्डा हो गया, आए वो सलाम करने, हजूर ने सलाम नहीं किया। पूछा गया सहाबा इकराम से, सरकार हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा भाई अली से पूछो, वो मिजाज शनास रसूल है, उससे पूछो। पूछा गया तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा अपना लिबास तो देखो, उसका दरबार देखो। हद हो गई, उतारो इस लिबास को और सादा लिबास पहनकर रहमत खुदा के हुजूर जाओ और हुजूर को सलाम करो, वो तुम्हें सलाम का जवाब देंगे। सलाम का जवाब मिला, वो अपने साथ तीन लेकर गए, जनाबे मरियम, जनाबे ईसा, जनाबे जबरील। तवज्जो है, ये तीन ये भी सजदे के काबिल हैं, ये भी पूजा के काबिल हैं, आपका है मुतल्लिक के क्या अकीदा है? सरकार ने फरमाया ईसा की बात करते हो, उसकी तो मिसाल जो है वो मिस्र आदम है भाई, इसका तो सिर्फ बाप कोई नहीं, उसकी तो माँ भी कोई नहीं, तो माँ बाप वाला काम कोई नहीं, तुम किस बुरबलिया में रहते हो? वो अल्लाह का अब्द है, खुद कहा उन्होंने मैं अल्लाह का अब्द हूँ, नबी हो बनकर आया हूँ और मैं किताब लेकर आया हूँ। उनको समझ आ गई, समझ आ गई, लेकिन मानते नहीं थे। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जब समझ आ जाए, कोई ना माने तो फिर उसके साथ तलवार से लड़ाई नहीं करनी, क्या करना है? उससे मुबाहला करना, उससे मुबाहला करना। जब हुक्म आ गया मुबाहले का, सरकार ने फरमाया अच्छा इस मुबाहले की डेट कौन सी रखनी है? डेट मुकर्रर हो गई 24 ज़िलहज, 24 ज़िलहज। सरकार ने फरमाया अच्छा फिर ऐसे करो कि तुम भी अपने बेटे लाओ, मैं भी अपने बेटे लाता हूं, तुम भी अपने बेटे लाओ, मैं भी अपने बेटे लाता हूं, तुम भी अपनी औरतें लाओ, मैं भी अपनी औरतें लाता हूं, तुम भी अपना नफ्स लाओ, मैं भी अपना नफ्स लाता हूं। क्या माना? तुम भी अपनी जान लाओ, मैं भी अपनी जान। या दूसरे लफ्जों में तुम भी अपने जैसा लाओ, मैं भी अपने जैसा लाओ। बड़ों को उम्मीदें थी हमें बुलाया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं, फजर की नमाज अदा की, सीधा वहीं गए जहां हर रोज जाकर सलाम कहा करते थे, दकल बाब किया और कहा सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, ऐ वो घराना जिनके पसीनों से नबी बना करते। अली मुर्तजा बाहर तशरीफ लाए, हुजूर को सलाम किया, सरकार मुझे बुला लिया होता, कहा नहीं अली आज साइल मैं हूँ, जरूरत मुझे है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अली के पास खुद जा, अली के पास खुद जा। मौला क्या हुक्म है? कहा ये जो तेरे हसन और हुसैन हैं इनको मेरे नाम कर दे। मौला पहले ही आपके नाम हैं, मैं भी आपके नाम हूँ, आपकी बेटी भी आपके नाम है, हाँ ठीक है तैयार हो जाओ, मुकाबले को जाना है, मुकाबले को जाना है। अली नहीं पूछा करता सरकार किसका मुकाबला, काहे का मुकाबला, अली नहीं पूछा, पूछ ले तो वो अली काहे का, वो कहेगा अली है जो पूछ ले। तैयार हुए, तवज्जो के साथ तैयार हुए, निकले जैसे आयत थी वैसे ये लश्कर बना, उंगली में हसन, गोद में हुसैन,
आगे मुस्तफा, निशाना पीछे सैयदा, पीछे सैयदा। क्यों? ये निसाउल आलमीन है और फखरे मरियम है, और उसके पीछे आखिर में अली। ये एक लश्कर है ना छोटा सा, आखिर में अली। भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे सारे एक जवाब दो, बदर में अली पीछे थे या आगे? बोलो सारे। स्वाद नहीं आएगा जब सब ने ना कहा आगे। बदर में कहां थे? कहां थे? ओहद में, खंदक में, खैबर में। 84 जंगें लड़ी हैं हजूर ने, 84 में से 83 जंगों में अली आगे है, आज अली पीछे है। कोई तो वजह है ना, 84 जंगों में अली आगे है, इस जंग में अली पीछे। समझने की बात है, अली को पीछे क्यों रखा? एक दूसरा, लाओ अपने बेटे, पैगंबर का अपना बेटा इब्राहिम था, अपना घर छोड़ा, सैयदा जहरा का लिया। मुझसे सवाल करो क्यों ऐसा हुआ? तीन हस्तियां सामने थी, मुतालबात की जंग नहीं थी, मुतालबात का झगड़ा नहीं था, शख्सियत का झगड़ा था। वो लेकर आए थे, तवज्जो रहे, वो लेकर आए थे ईसा, वो लेकर आए थे मरियम, वो लेकर आए थे जबरील, वो लेकर आए थे ईसा। ईसा कौन है? सैयदा फातिमा, सैयदा मरियम, हमने तुझे इस्तफा किया, हमने तुझे ताहरा किया। वो मासूमा है, वो तैयबा है, वो ताहरा है, वो नबी की माँ है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, आखिरी जुमले हैं। वो एक नबी की माँ है, वो सिद्दीका है, वो तैयबा है, वो ताहरा है, वो मासूमा है। वो थी उसकी माँ, वो थी मरियम की माँ। जनाब ईसा की जगह हसनैन को लेकर गए, हसनैन को लेकर गए। तुम मरियम लाए हो, वो चलो तुम मरियम लाए हो, मेरे पास फखरे मरियम है। तुम ईसा दिखाओगे? मेरे पास हसनैन करीमैन है, तैयब ताहिर हैं, वायु ताहिरा कुम तत्हीरा है, ऐसे पाक हैं कि ये दुनिया को पाक कर देते हैं। तुम ईसा लाए हो, मेरे पास फखरे ईसा है। तुम मरियम लेकर आए हो, मेरे पास फखरे मरियम है, तवज्जो है। और तुम जबरील लेकर आए हो, वो सबसे आखिर में मैंने अली को रखा। तुम जबरील लेकर आए हो, मेरे पास जबरील का भी उस्ताद अली। उन्होंने हाथ उठा लिए, बस जी हम मुकाबला नहीं करते, मुबाला नो हम नहीं करते। नतीजा क्या देना था? फना जा लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर क्या होनी है? लानत। कुरान ने झूठा किसे कहा? सारे बोलो भाई मेरे साथ साथ, जब झूठे का जिक्र हो तो ऑटोमेटिक सच्चे का जिक्र हो जाता है। अल्लाह बातल का खालिक नहीं, अल्लाह हक का खालिक है। अल्लाह हक का खालिक है, अल्लाह बातल का खालिक नहीं। अल्लाह नेकी को पैदा करता है, शर को पैदा नहीं करता। जब नेकी पैदा हो जाती है, उसको रोकने वाला शर है, उसको रोकने वाला शर है। जब हक पैदा हो गया तो रोकने वाला बातल है, इसलिए वो हक का खालिक है, वो नेकी का खालिक है, वो शर का खालिक नहीं। वो सदाकत का खालिक है, झूठ का नहीं। झूठ हम खुद बोलते हैं। जनाबे हजरत आदम ने
शैतान के जवाब में कहा था, उसने कहा तूने मुझे गुमराह किया। हजरत आदम ने कहा बदनसीब तूने अल्लाह पर इल्जाम लगाया है। अल्लाह ने कहा आदम जवाब दे तू क्यों तूने ऐसा काम क्यों किया। सरकार आदम ने कहा इन्नी जुल्म तो नफसी फकर ली, मेरे अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। जो जुल्म को अपनी तरफ फेरे वो आदम का बेटा, जो जुल्म को उसकी तरफ फेरे वो उसका बेटा। अब लानत रुक गई, उन्होंने कहा कि जी हम जजिया देते हैं, हम मुकाबला नहीं करते, हम देख चुके हैं, हमने दो ऐसे चेहरे देखे कि अगर वो चेहरे कहे इस पहाड़ से हट जा तो वो हट जाएंगे, इसलिए हम नहीं। ये हट गए, जब ये हट गए लानत भी टल गई। ईसाई लानती नहीं, कोई ईसाई को लानती नहीं कहता, ईसाई लानती नहीं, क्यों? उसने मुकाबला नहीं किया, जजिया दिया, हट गया। हाय मुसलमानों, कैसे थे वो मुसलमान जो करबला में अगर आए होते, आ भी जाते, आकर फिर हट जाते, लानत न पड़ती। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो यजीद इतना बेहया था, वो आया भी, डटा निरा नहीं, वो लड़ा भी, वो हुसैन को मार के भी चला गया, इसलिए वो लानत का हकदार हुआ। लेकिन कुरान पाक ने एक सबक पूरी इंसानियत के नाम दे दिया कि पांच सादिक हैं, पांच सादिक हैं, और इनके मुकाबल में जो जो आएगा कुरान की रूह से उस पर लानत, उस पर लानत है। आगे हसन है, आगे हसन है और हुसैन है, जो इन दो के मुकाबल में आए उस पर लानत, बोलो तो सही, उस पर लानत। कुरान ने कहा है उस पर लानत, अल्लाह भी कहता है लानत बेशुमार, साथ उसके पाक पैगंबर हैं मोहम्मद और रसूलल्लाह के दुश्मन पर लानत, सरकार के दुश्मन पर लानत बेशुमार, सरकार की बेटी है सरकार की बेटी के दुश्मन पर लानत बेशुमार, पीछे दामाद है अली मुर्तजा है अली के दुश्मन पर लानत। खुदा की कसम अगर कुछ सहाबी भी होते, ना भी हूं हम, तो फिर भी कहते हैं सहाबा के दुश्मन पर लानत, सहाबा के कातल पर लानत। हमारा तो अकीदा है तो वो इज्जत वाले लोग हैं, वो अजमत वाले लोग हैं। ठीक है कि इनका मुकाम अपना है, गुलामों का मुकाम अपना, गुलामों को भी घर से निकाला नहीं जाता, उनका मुकाम अपना है। यही बताने के लिए, यही दुनिया को समझाने के लिए वो मदीने से मक्के आए, मक्के से करबला आए, सातवीं को पानी बंद हुआ, दसवीं को करबला में कयामत आ गई, दसवीं को करबला में कयामत। मैं बड़ा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वो जिसने जुलजना बरामद कराना है उसके नसीब है, वो करेगा। हमारे खतीब भी पढ़ते हैं और अहले सुन्नत हदीस का पढ़ते हैं कि मौला ने एक रात मांग कर दी, शाह जी ये रात मांग कर ली, पढ़ते हैं ना, मांग कर ली। हुसैन मांगने वालों को नहीं कहते, हुसैन मांगा नहीं करता, हुसैन करबला में भी दिया करता। हुसैन देने वाले को कहते हैं, लेने वाले को नहीं कहते। और एक बात याद रखो, जंग पानी पे नहीं, जंग पानी पे नहीं, जंग इंसान की इंसानियत पर, इंसान की गैरत पर है, इंसान की इज्जत के लिए है, इंसानियत को बचाया। नमाज पढ़ रहे थे लोग, अजान उधर भी हुई, अजान इधर भी हुई, उधर पता नहीं किस दी, इधर अली अकबर ने दी। अजान उधर भी है, अजान इधर भी है, जमात उधर भी है, जमात इधर भी है, कुरान उधर भी है, कुरान इधर भी है, और उस तरफ हाफ़िज़े कुरान है, इधर मुहाफ़िज़े कुरान है। सिर्फ और सिर्फ मौला हुर को लेना चाहते थे,
समझा रहे थे। आज रात तुम्हें मौजूद है, सोच लो मैं कौन हूँ, मैं बता चुका, तुम सब जानते हो। और मौला ने एक दिन पहले नामी को, एक एक सियाबी को ऐसे करके, तू तो जानता है ना, तू भी जानता है, तू भी जानता है ना, तुम वहाँ मौजूद थे जब मुझे नाने के अपने शाने पर उठाया हुआ था, जब नाना मुझे अपनी जुबान चुसा रहा था, तू जानता है। मुझे ये ना समझो कि हुसैन बच्चा है, हम बचपन में भी इमाम हैं, माँ के पेट में भी इमाम, हम तुम्हारे हादी हैं, हादियों से लड़ा नहीं करते, हादियों से हिदायत लेते हैं। मैं तुम में आयतुल्ला हूँ, मुझसे सीखो कुछ, मौका दिया, जाओ आज रात की मोहलत देता हूँ, सोच लो मुझसे जंग करनी चाहिए या नहीं, मुझे पहचानो, मेरे बड़े भाई को पहचानो, मेरे बाबे को पहचानो, और मेरे नाने का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाना को पहचानो। अल आतश की आवाज बहुत सारे लोगों ने सुनी, किसी पर कोई असर ना हुआ, हुर ने भी सुनी, जब हुर ने सुनी, हुर से रहा ना गया। आधी रात गुजर चुकी थी शबे शहीदा की, जाकर उमर साथ से कहता है, उमर उमर जितना तू करीबी है उतना मैं तो नहीं। ये इतना करीबी है कि सैयदा ज़ैनब एक रवायत में है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे, बीबी ने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ के कहा, तू देख रहा है और मेरा भाई कतली रहा है। और कहता है अपने बेटे से, बेटा ये जो आवाज है ना, इसका मुजरम मैं हूं, पानी बंद करने वाला मैं हूं, शाम दूर टोलाने वाला मैं हूं, कल मैं रसूल अल्लाह को क्या मुंह दूंगा, दिखाऊंगा, बीबी का सामना कैसा करूंगा, अली मुर्तजा का सामना कैसे करूंगा, ये बड़ा करीम घराना है, मैं तो चला हूं माफी मांग। पहले उमर साथ से फारग हुआ ना, कहते जंग टल नहीं सकती, वो कहता वाह भाई वाह, लाया भी तू है, पहला हमला भी तू ही करेगा, तू ही करेगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, आया अपने बेटे को साथ लिया, भाइयों को साथ लिया, गुलाम को साथ लिया, और सीधा करबला की तरफ, सीधा करबला भी की तरफ। पूछा दूसरों ने, किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है, कहा तुम्हें पता नहीं, मैं जहन्नम छोड़ के जन्नत की तरफ जा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको आते देखा, हजरत अब्बास को बुलाया, अब्बास इधर आओ, तलवार पे हाथ है, अब्बास तलवार को नायम रखो, ये आम नहीं है, ये हुर आ रहा है, जब सामने आए भाई हुर कह के घोड़े से उतार लिया। अकबर मेरा बेटा मेरे पास आ, कासम मेरे पास आ, जब हुर उतर आए चचा कह के सलाम करना। और उतरने लगा, हजरत अब्बास ने कहा भाई और नहीं उतरो, मैं खुद उतारता हूं। उसके आंखों में आंसू आ गए, ओ जालिमो तुमने आले रसूल को इतना परेशान कर दिया। जब नीचे उतरे, अकबर और कासम ने बढ़कर चचा कहकर सलाम किया, जनाबे सैयदा अपने खैमे में देख रही थी, औनो मोहम्मद को बुलाया, बुलाकर कहा वो जो बंदा तेरे मामू के गले मिल रहा है बेटा, उसका नाम पूछकर उनको जाकर कहना मामू और मेरी माँ तुझे सलाम कहती। जब सैयदा का सलाम पहुंचा, उसने कहा जालिमो तुमने इतना इनको इतना परेशान कर दिया, इतना डरा दिया, आखिरी जुमला और दुआ देता हूं। इमाम से कहते हैं हुजूर आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में बेकरार को करार अभी नहीं आ रहा, जब तक मुझे सैयदा माफ ना करे। मैं घोड़े की लगाम में हाथ डाला था, वो बीबियां रो रही थी, मौला मुझे सुकून नहीं आता, कहा आओ मेरे साथ। खैमे की तरफ गए, बीबी पाक देख रही है अब खैमे के अंदर सैयदा, खैमे के बाहर हुसैन, और साथ हुर, दरमियान में हुसैन।
सारे खड़े हैं। इमाम दरमियान में वकील होकर कहते हैं, ज़ैनब जी भैया, ज़ैनब और तुझसे माफ़ी मांगने आया। उनने हाथ बांध के कहा, मखदूमा मुझसे गुताखी हो गई, मुझे माफ़ कर दो। भाई बड़ा जुमला था, कह देती माफ़ किया। किबला से रसल जैदी फरमाया करते थे, बीबी ने कहा, भाई होर मुझे शर्मिंदा ना करो, तेरे पर वादा करती हूँ तुझे भाई समझकर तेरी लाश पर आकर बैन करूँगी। बमा लेना इल्लल बला।